जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 में पर्यावरण विषय के अंदर पाठ संख्या 10 भोजन बनाना को आगे से अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ संख्या 10 भोजन बनाना को आगे से अध्ययन करेंगे। आज क्या है इस पाठ में? खाना बनाने की विधियाँ, खाना बनाने की विधियाँ। घर पर खाना बनते समय आपने महसूस किया होगा कि रसोई से अलग अलग तरह की खुशबू आती है। जब घर पर खाना बनता है उस समय आपने महसूस किया होगा कि रसोई से अलग अलग तरह की खुशबू आती है। घर पर खाना बनते समय आपने महसूस किया होगा कि रसोई से अलग अलग तरह की खुशबू आती है। खाने को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से पकाते हैं। खाने को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से पकाते हैं, जैसे उबालना, सेकना, भुनना, तलना आदि। ठीक है, खाने को जो है स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से पकाते हैं। कैसे? जैसे उबालना, सेकना, भुनना, तलना आदि। पता कीजिए और लिखिए, भोजन पकाने के इन तरीके से और क्या क्या बन सकता है। इन तरीकों से और क्या क्या बन सकता है, लिखिए। भोजन पकाने के इन तरीके कौन से तरीके? उबालना, सेकना, भुनना, तलना आदि से क्या क्या बन सकता है वो लिखना है। तो उबाल कर क्या क्या बन सकता है? आलू की सब्ज़ी, गाजर की सब्ज़ी, अंडे उबालना, गोभी की सब्ज़ी और विभिन्न दालें, ये सब उबाल कर पकाए जाते हैं। ठीक है, उबाल कर क्या क्या पकाए जाते हैं? आलू की सब्ज़ी, गाजर की सब्ज़ी, अंडे उबालना, गोभी की सब्ज़ी और विभिन्न दालें। फिर भुनकर, भुनकर क्या क्या बनाया जाता है? हलवा, बैंगन का भरता, भुने आलू और आलू का भुरता। भुनकर क्या क्या बनाए जाते हैं? हलवा, बैंगन का भरता, भुने आलू और आलू का भुरता। फिर आता है सेक कर, सेक कर क्या क्या बनाया जाता है? रोटी, पापड़, बाटी, भुट्टे। सेक कर क्या क्या बनाया जाता है? रोटी, पापड़, बाटी और भुट्टे, ये सभी सेक कर पकाते हैं। फिर आता है तल कर, तल कर क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या पकाया जाता है? पकौड़ी, कचौड़ी, समोसे, पूड़ी और भटूरे। तल कर क्या क्या पकाते हैं? पकौड़ी, कचौड़ी, समोसे, पूड़ी और भटूरे। फिर आता है छोंक कर, तो छोंक कर क्या क्या बनता है? सब्जी, छोंक कर बनती है सब्जी, दाल, चावल और ढोकला। छोंक कर क्या क्या बनाया जाता है? सब्जी, दाल, चावल और ढोकला। इस प्रकार भोजन पकाने के इन तरीकों से ये बन सकता है। वापस देखिए, खाना बनाने की विधियाँ, खाना बनाने की विधियाँ। तो क्या है खाना बनाने की विधियाँ? घर पर खाना बनते समय आपने महसूस किया होगा कि रसोई से अलग अलग तरह की खुशबू आती है। जब घर पर खाना बनता है तो उस समय आपने महसूस किया होगा कि रसोई से अलग अलग तरह की खुशबू आती है। खाने को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से पकाते हैं। अब जो है खाने को जो है स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से पकाते हैं, जैसे उबालना, सेकना, भुनना, तलना आदि। अब पता कीजिए और लिखिए, भोजन पकाने के इन तरीकों से और क्या क्या बन सकता है वो लिखना है। ठीक है, जैसे है उबाल कर क्या क्या पकता है? उबालने से, उबाल कर जो है आलू की सब्ज़ी, गाजर की सब्ज़ी, अंडे उबालना, गोभी की सब्ज़ी, विभिन्न दालें, ये सभी जो है उबाल कर पकाए जाते हैं। फिर है भुनकर, भुनकर जो है हलवा, बैंगन का भरता,
भुने आलू और आलू का भुरता, ये सभी जो है भुनकर पकाए जाते हैं। फिर है सेक कर, तो सेक कर रोटी, पापड़, बाटी और भुट्टे, ये सेक कर पकाए जाते हैं। फिर है तल कर, तो तल कर है पकौड़ी, कचौड़ी, समोसे, पूड़ी, भटूरे, ये सभी जो है तल कर पकाए जाते हैं। फिर है छोंक कर, तो छोंक कर है सब्जी, दाल, चावल और ढोकला, ये सभी जो है छोंक कर पकाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा।